आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे डुप्लीकेशन की, यानी द्विगुणन की। ठीक है, अब देखो अपन ने इससे पहले जो कल वाले में देखा था उसके अंदर ये देखा कि सिगमेंट क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। ये देखा था सिगमेंट या जो क्रोमोसोम है उसकी जो स्टैंड है वो क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। ये अपने क्रोमोसोम भाई साहब हैं, है ना, और ये इन पे उपस्थित हैं जीन, है कि नहीं है, है। तो ये क्या हो रहे थे, डिलीट हो रहे थे। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को अपन क्या बोल रहे थे, डिलीटेशन बोल रहे थे। आगे यहां तक बात समझ के अंदर, अब अगला टॉपिक है वो है डुप्लीकेशन। क्या है, डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन, यानी क्या होना, दो बार होना। कितनी बार होना, दो बार होना। ठीक है, छोरी लिख लो पहले इसकी। यह घटना डिलीटेशन के बिल्कुल अपोजिट होती है या विपरीत होती है। इसमें नेक्स्ट टाइम लिखना, इसमें गुणसूत्र के कुछ खंड दो बार उपस्थित होते हैं अगली लाइन में। अर्धसूत्री विभाजन के समय जब जीन विनिमय होता है जब इंटरकैलरी डिलीटेशन द्वारा पृथक हुआ खंड होमोलोगस क्रोमोसोम में किसी स्थान पर जुड़ जाता है। अगली लाइन में लिखना, इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित गैमिट्स में कुछ में सामान्य जीन की तुलना में अतिरिक्त जीन उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार की परिघटना डुप्लीकेशन कहलाती है। डुप्लीकेशन कहलाती है। अब देखो कल जो अपन ने देखा था उस पे वापिस आ जाओ। किस वाले पे, कल वाले पे। कल अपन ने देखा था कि इंटरकैलरी में, किसमें, इंटरकैलरी डिलीटेशन में। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये इंटरकैलरी डिलीटेशन क्या चीज होता है, क्या होता है, देखो बताना शुरू कर दो, वरना वो छोटी क्लास में से पढ़ाते थे ना कि जो बताएगा, है ना, वरना क्या है, छोटी क्लास किसे मेरे को करना पड़ेगा बाद में, जो बताएगा वो, जो नहीं बताएगा उसके भी डुक्के डालेगा। ठीक है, एक सवाल का एक डुक्का, जो नहीं बताएगा उसके कौन मारेगा, जो बताएगा वो। तो कितने खुश हो गए, है ना, आज सल्टा था गुरुजी को काम, कई दिन से बकवास करने लग गए। इंटरकैलरी डिलीटेशन के अंदर, डिलीटेशन का मतलब ये था कि जो डीएनए का कोई, सॉरी, जो क्रोमोसोम का कोई खंड था वो क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था, यही मतलब था डिलीटेशन का। अब ये दो प्रकार से था, इंटरकैलरी और टर्मिनल। टर्मिनल में ये ऊपर से टूट जा रहे थे
और इंटरकैलरी में क्या हो रहा था, बीच के अंदर से टूट रहे थे, यही मतलब था। अब देखिए, अब बात को समझिए, अब अपन बात कर रहे हैं डुप्लीकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? डुप्लीकेशन की। अब डुप्लीकेशन में क्या होगा, डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। यानी यदि मैं यहां पर एक क्रोमोसोम बना लूं, ये कोई क्रोमोसोम है, इसमें जो जीन है ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डबल। डुप्लीकेशन का मतलब ये तो होता है ना, डबल होना। अब डबल होगा कहां से वो समझो, यह कंडीशन डिलीटेशन, जो डिलीटेशन प्रक्रिया है, विलोपन की जो प्रक्रिया है, उसके जस्ट अपोजिट होती है। क्या होती है? उसके अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब विपरीत। उसमें क्या हो रहा था, डिलीटेशन में क्या हो रहा था, टूट रहा था, इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यही तो होगा, यही हो रहा है ना, हाँ कि ना। अब देखो, इंटरकैलरी डिलीटेशन में, यानी कौन सा डिलीटेशन, जिसके अंदर से क्रोमोसोम का बीच वाला जो खंड था ये क्या हो जाए, टूट जाए। तोड़ दिया, अरे तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तोड़ा। तो इस प्रकार का कौन सा कहलाएगा, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी डिलीटेशन, ठीक है। यानी अपन को यहां से कौन सा खंड मिला, अरे टूटने के बाद कौन सा मिला, सी डी मिला। इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, सी और डी, यही तो मिला, सी और डी मिला। अब ये सी और डी क्या करे, अन्य क्रोमोसोम के ऊपर जाकर मिल जाए। यहां तक बात समझ में आती है? देखो, अब ये कोई अन्य क्रोमोसोम है कि नहीं, इसका भी एक सीक्वेंस होगा। मैंने कल भी आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से बताई थी, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनको समझ लो। क्या है बेसिक प्रिंसिपल? सबसे पहले बनाना है क्रोमोसोम। क्या बनाना है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के लिए चाहिए एक गोली। क्या चाहिए? एक गोली, ठीक है। अब इस गोली के ऊपर एक पंखड़ी और इस गोली के नीचे एक पंखड़ी। सामान्य रूप से गोली के ऊपर वाली जो पंखड़ी होती है ये बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है। ये क्रोमोसोम की साइज उसके नंबर पे डिपेंड करती है। अलग अलग क्रोमोसोम के नंबर अलग अलग साइज के होते हैं, अर्थात उनके अंदर क्रोमोटिड की जो साइज होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। इतना डीप नहीं जाना है, कौन सी छोटी बनानी है, कौन सी बड़ी बनानी है, अपन को ये दो पंखुड़ियां बनानी है, ठीक है। पंखुड़ियां बनाने के बाद इसमें जीन को दिखाना है। कितने भी जीन दिखा दो वो तुम्हारी इच्छा है, जो साफ साफ समझ में आ जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि जितने ऊपर हो उतने ही नीचे। आती है यहां तक बात समझ में? अब इसके बाद इसका नामकरण कर दो। क्या कर दो? नामकरण। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका सी, इसका डी, इसका एफ, इसका ई, एफ जी, एच आई, जितने भी आप बना सकते हो बना लो। आगे बात समझ में? अब देखो, ये क्रोमोसोम है, जीन दिखा दिए, दिखाए कि नहीं दिखाए। अब क्या करूं, इसका नामकरण कर दूं सबसे पहले? तो क्या करूं, ए बी सी डी ई एफ और जी और एच, कर दिया नामकरण। अब क्या कह रहे हैं अपन, अपन कह रहे हैं कि देखो साहब, डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के दौरान इंटरकैलरी डिलीटेशन के समय टूटा हुआ खंड या ब्लॉक सेपरेट होकर किसी अन्य क्रोमोसोम पर चला जाता है। इस प्रक्रिया को डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। अब देखो जी, ये यहां से उठा और उठ के कहां चला गया, इनके पास चला गया। गया कि नहीं गया? गया। तो देखो, सी और डी यहां पर पहले से थे कि नहीं थे? थे। अब ये वाले भाई साहब उठे और ये भी कहां चले गए? सी और डी के पास चले गए। यानी इन्होंने यहां जाने के बाद अपनी एक नई स्थिति को प्रदर्शित कर लिया। करा कि नहीं करा? ये भी क्या है? सी और डी। क्या है? सी और डी। तो डुप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पहले भी सी और डी थे, ये आया तो इसके बाद भी क्या हो गए? सी और डी हो गए। यानी ये क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया।
और क्या बना, सीओडी बना। अर्थात ये जो क्रोमोसोम है ये किसको प्रदर्शित करता है, डुप्लीकेशन को प्रदर्शित करता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डुप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब कहां जुड़ेगा, कहां नहीं जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा, नीचे जुड़ेगा, जुड़ेगा भी नहीं जुड़ेगा, वो अपन देखेंगे इसकी टाइप्स में। लिखाई थी उस दिन डुप्लीकेशन की टाइप, ये अपन अब डिस्कस करेंगे अगली इसके अंदर, अगली स्टेप के अंदर, इसकी जो टाइप्स हैं उनके अंदर। आगे यहां तक बात समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ये जुड़ता है ना यहां पर जाकर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ये पड़ा है और ये जुड़ गया ना, पड़े में नहीं जुड़ सकता। जिस कंडीशन में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, कौन सी अर्धसूत्री, क्या बोलते हैं इसको, मियोसिस। क्या होता है, जब मियोसिस होता है उसी अंतराल में ये विखंडित हुआ खंड, ब्रेक हुआ खंड, ब्लॉक अन्य क्रोमोसोम से जुड़े जाता है। क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि यहां पर अवस्था होती है 2n की। क्या होती है, 2n की। और ये भाई साहब सेपरेट होते हैं n में और n में। आगे बात समझ में। तो जब ये सेपरेशन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान ये यहां पर आ जाते हैं, उसके साथ जुड़े जाते हैं। ठीक है, वोट देखे ना, चुनाव देखे ना, चुनाव पार्टिसिपेट भी करा होगा। ठीक है, अब एक मान लो एक चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी मैं हूं, ठीक है, मैं किसी के घर गया, तुम लोग भी उस समय रैली में आ गए ना, वोटर मेरा है, मैं उसको समझाने लग रहा हूं, देख यार तुमने नहीं जिताया आपकी बार, तो क्या आप उस समय उसके साथ घुस सकते हो, नहीं घुस पाओगे ना। कब इंतजार करोगे, मैं बाहर निकलूं और निकलते ही आप अंदर घुस जाओ। तो जब ये बाहर निकलेगा जबी तो ये अंदर घुसेगा। अगर ये 2n में है तो स्टेबलिश है, क्या दिक्कत है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये मियोसिस करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, उस कंडीशन में ये अपने क्रोमोसोम को अलग अलग करेगा। यही तो मतलब होता है 2n का, मतलब क्या होता है, आधा मेल का और आधा फीमेल का, अलग अलग हो जाना, दो पार्टीशन में बट जाना। जब ये पार्टीशन में बटेंगे तो ही इनके बीच में स्पेस आएगी, और स्पेस आएगी कोई नया क्रोमोसोरी, नया जो जीनोम है या जो नए जीन है वो क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। यही लाइन मैंने आपको लिखाई है, ये जो प्रक्रिया होती है ये जीन विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है। जीन विनिमय मतलब जीन का जीन एक्सचेंज होना, क्या होना, जीन एक्सचेंज। ठीक है, उतार लो उसको। चलिए अब अपन बात करते हैं डुप्लीकेशन की टाइप की। ठीक है, अभी तक अपन ने यह देखा कि इंटरकैलरी डिलीटेशन के अंदर जो खंड बीच में से गायब हो रहा था या टूट रहा था वो किसी अन्य क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाता है, पर अपन को अभी तक यह नहीं पता लग रहा था कि वो खंड किस प्रकार से अन्य क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ता है। उसको पता लगाने के लिए अपन डुप्लीकेशन को तीन टाइप से डिवाइड कर देते हैं। कितनी टाइप से, तीन टाइप से। एक बात और याद रखिएगा, जब ये एग्जामिनेशन में आए तो इस प्रकार से नहीं बना के आना है आपको इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वन बाई वन बना के आएंगे आप लोग। अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट आ जाता है डुप्लीकेशन पे, क्या जाता है डुप्लीकेशन पे, तो सबसे पहले तो आप उसकी थ्योरी लिख के आएंगे, डुप्लीकेशन क्या चीज होती है, उसका डायग्राम, देन उसकी टाइप, कितने टाइप का डुप्लीकेशन होता है, तो उसकी टाइप वन बाई वन आप बता के आएंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे पूरी, क्योंकि बीएससी का सिलेबस है। हाँ, ट्वेल्थ वाले हैं तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब समझो इसको, देखो ये अपन तीन प्रकार से इसको बांट सकते हैं। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से, ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन। ये समझ में आ गई, तीनों समझ में आ जाएंगे, और ये समझ में नहीं आई तो फिर नहीं आएगा। देखना, टैंडम डुप्लीकेशन कौन सा है, टैंडम पहला, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ठीक है, तीसरा है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। यहां तक बात समझ में आती है ना। अब समझो, डीएनए का क्रम वास्तविक डीएनए के अनुरूप होता है, किसके अनुरूप होता है, वास्तविक डीएनए के।
डीएनए का क्रम वास्तविक डीएनए के अनुरूप परंतु विपरीत। क्या होता है परंतु विपरीत, इसको आप ये भी लिख सकते हो, रिवर्स भी लिख सकते हो, इसको कंफ्यूज नहीं होगे इसलिए कि आप पे लिख लेना रिवर्स। ठीक है, डिलीटेड ब्लॉक होमोलोगस क्रोमोसोम की स्पेसिफिक साइट वे हेट्रोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़े जाता है। अब बात को समझना क्या चीज है, देखो ये सबसे पहले क्रोमोसोम बनाएंगे, यहां तक बात समझ में आती है। यहां पर अपन उसका नामकरण करेंगे, कर दिया नामकरण। अब नामकरण करने के बाद अब इसका अपन ने इसकी पोजीशन बता दी, अब इसका नामकरण कर दो ए बी सी डी, कर दिया। अब देखो डीएनए का क्रम, जो डीएनए का क्रम है वास्तविक डीएनए का क्रम, कौन से डीएनए का, वास्तविक डीएनए का, ये वाला फर्स्ट वाला, कौन सा, ये वाला, यानी इसको बोलते हो ट्रू डीएनए। क्या बोलते हैं, ट्रू डीएनए, जहां से खंड टूटेगा, क्या होगा, जहां से खंड टूटेगा। आगे बात समझ के अंदर, कहां से टूट रहा है ये, इंटरकैलरी से, कहां से टूट रहा है, इंटरकैलरी से। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से खंड टूटेगा, इस सीओडी को तोड़ लेता हूं, तोड़ लिया, तोड़ के कहां जाएगा, दूसरे वाले के पास, यही तो होगा, ये टूट के कहां जाएगा, इस पर जाएगा, चला गया। अब देखो यहां पर भी जीन उपस्थित होंगे, होंगे ना, इनका भी अपना सीक्वेंस होगा, अब देखो यहां तक आए। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये दो कैसे छोड़ दिया आपने खाली, इनको भी नामकरण करो। ये देखो इनका सीक्वेंस था ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही सीक्वेंस है, इसका भी यही है और इसका भी यही है, परंतु इसमें से ये खंड क्या हुआ, टूटा, और टूट के कहां चला गया, इस क्रोमोसोम पे चला गया। डीएनए का क्रम वास्तविक डीएनए के क्या होता है, अनुरूप होता है, यानी अब ये खंड कहां चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, यहां पर चला गया और ये खंड यहां पर आ गया, क्या आ गया, यहां पर आ गया। आगे बात समझ के अंदर, और यहां पर आने के बाद इसका क्या रहेगा, सी और डी, नहीं आई बात समझ के अंदर, अरे इसका क्रम था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आगे बात समझ में, यहां से टूटा और टूट के कहां आया, यहां पे आया और इसके क्रम के अनुसार ही सेट हो गया। आगे बात समझ के अंदर, ए बी सी डी सी डी ई एफ जी एच हो गया, यानी इसके क्रम के अनुरूप ही क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन क्या कहलाएगा, टैंडम डुप्लीकेशन कहलाएगा। इट मींस यहां पर जो सिक्वेंस है, यहां पर जो सीक्वेंस है वो कैसा है, सेम है, कोई सीक्वेंस में चेंज आया क्या, नहीं आया ना, क्या हो गया, सीक्वेंस सेम हो गया। ठीक है, अब देखो डीएनए का क्रम वास्तविक डीएनए के अनुरूप परंतु रिवर्स, परंतु क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, देखना। ठीक है, अब यहां से दोबारा तोड़ें, इसी को तोड़ लें। ठीक है, ये टूट के कहां जाएगा, इस पे जाएगा, इसका अपना खुद का विचारे का सीक्वेंस एक क्या है, ए बी सी डी। ठीक है,
यही सीक्वेंस होगा। ये क्या कर रहा है, टूट के इसके ऊपर जा रहा है, परंतु इस बार क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स, उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। अब देखो यहां पर सीक्वेंस क्या चल रहा है, ए से डी तक। क्या चल रहा है, ए से डी तक, यानी अब कोई भी जुड़े तो वो कहां जुड़ना चाहिए, सी और डी, ये जुड़ना चाहिए। परंतु ये सी और डी क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिवर्स, उल्टे। क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अर्थात अब ये कैसे जुड़ते हैं, डी और सी। कैसे जुड़ते हैं, डी और सी, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, रिवर्स। क्या बोलते हैं, रिवर्स, ठीक है। टेंडम डुप्लीकेशन के अंदर जो इंटरकैलरी डिलीटेशन के द्वारा जो प्राप्त सेगमेंट होता है, वो प्राप्त सेगमेंट अपने वास्तविक डीएनए से उठकर किसी अन्य डीएनए पर जाकर डुप्लीकेट हो जाता है, उसके साथ द्विगुणन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लेता है ये, परंतु यह अपने वास्तविक सीक्वेंस को नहीं खोता। अर्थात जो अन्य डीएनए का जो वास्तविक सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी है रिवर्स टैंडम। अब इसके अंदर भी प्रक्रिया तो टैंडम वाली ही होती है, अर्थात यहां से उठा हुआ सीक्वेंस यहां पर जाकर क्या होता है, जुड़ जाता है किसके भांति, टैंडम के जैसे। परंतु इस बार टूटा हुआ सेगमेंट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अर्थात जुड़ना चाहिए सी और डी, सीक्वेंस तो सेम ही रहता है, सी और डी के बाद ही जुड़ता है, परंतु रिवर्स हो जाता है। अर्थात यहां पर क्या आ जाता है, डी और सी आ जाता है। आगे यहां तक बात समझ के अंदर। अब अगला कौन सा है, डिलीटेड ब्लॉक। डिलीटेड जो ब्लॉक्स होते हैं, खंड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की स्पेसिफिक साइट पे एवं हेट्रोलोगस क्रोमोसोम पे जुड़े जाते हैं। इसमें भी अपन को यही करना है कि यहां से कोई खंड लिया अपन ने, कहां पहुंचा दिया, इस क्रोमोसोम पे पहुंचा दिया। यदि ये क्रोमोसोम होमोलोगस है, कौन सा है, होमोलोगस, इट मीन्स यहां पर क्या होगी, स्पेसिफिक साइट होगी। ये क्या है, स्पेसिफिक साइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पर आकर जुड़ जाएगा। कहां पर ऐड हो जाएगा, इस स्पेसिफिक साइट पे आके जुड़े जाएगा, होमोलोगस में। तो किसके अंदर, होमोलोगस में। हेट्रोलोगस के अंदर जब ये जाएगा, सपोज करो ये नीचे वाला क्या है, हेट्रोलोगस है, तो इस हेट्रोलोगस की कंडीशन के अंदर ये कहीं पर भी जुड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक साइट पर ही जुड़े, ये किसी भी साइट पे जुड़ सकता है। नॉट स्पेसिफिक साइट, डिस्प्लेस्ड कर देना। क्या कर देना, डिस्प्लेस कर देना, मतलब आगे खिसका देना। अर्थात यहां पर यदि कोड ई एफ जी होंगे तो ये क्या कर देगा, उनको आगे खिसका देगा, यानी एच आई तक पहुंचा देगा। ये जो दो कॉलम बनेंगे ये कैसे बनेंगे, डिस्प्लेस्ड, विस्थापित कर दिया, खिसका दिया उनको। क्यों खिसका रहा है, क्योंकि चाह रहा है कि मैं क्या हो जाऊं, ऐड हो जाऊं। मैं ऐड होने के चक्कर में उनको क्या कर देता है, आगे खिसका देता है। परंतु इन दोनों कंडीशन में आगे नहीं खिसकाता है, उनके साथ ही ऐड हो जाता है। ठीक है, डुप्लीकेशन तो यहां भी हो रहा है, डुप्लीकेशन तो यहां भी हो रहा है, डबल तो हो गए ना यहां पर ये क्या करता है, उनको आगे खिसका देता है, परंतु यहां पर इन्हीं के साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, हेट्रोलोगस में तो डिस्प्लेस कर देगा और होमोलोगस में भी डिस्प्लेस करेगा, परंतु उनकी स्पेसिफिक साइट के ऊपर जुड़े जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, आप लोगों का जो टॉपिक है डुप्लीकेशन वो आज के इसके अंदर कंप्लीट। सेम यही चीज लिखनी है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है।